अब बात कानपुर की, जहां पर व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आईपीएल में सट्टेबाजी में पैसा हारने के चलते व्यापारी की हत्या की गई। आरोपी व्यापारी से उधार पैसे लेकर आईपीएल में सट्टेबाजी में पैसे लगाया करता था और ये सट्टेबाजी में पैसे वो हार गया। व्यापारी ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो हत्यारों ने व्यापारी की हत्या कर डाली। कानपुर देहात में व्यापारी हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने ये बताया है कि जो व्यापारी था उसने उन लोगों को पैसे दिए थे, जो वो पैसा सट्टे में हार गए थे। आईपीएल सट्टे में हारे गए रुपए के बाद व्यापारी उनसे अपने पैसों की मांग करता था, जिसने सभी आरोपियों ने, सात लोगों ने मिलकर के एक योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी को पहले शराब पिलाई, फिर उसके घर में लूटपाट की और गाड़ी में डाल करके गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और शव को सेंगुर नदी में फेंक दिया। आज पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल करा के जेल भेज दिया है। तो देखा जा सकता है कि कानपुर देहात में अपराधी दिन पे दिन उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पर पुलिस अपनी कार्यशैली छुपाने के चक्कर में सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती है, परिजनों को अपना एक चिराग पुलिस की लापरवाही से कहीं ना कहीं खोना पड़ता है।